हाँ मैं पॉडकास्ट आपको चल रहा कंटेंट है। देता हूँ। हाँ मतलब बताइए क्या जानना चाहते हैं आप, आपकी अभी तक की लाइफ स्ट्रगल जो आप जीरो से जीरो ही होना अभी तक। आप जीरो से जीरो कैसे बने, मैं जीरो से नेगेटिव जीरो कैसे बने, जीरो नेगेटिव में कैसे चले गए, नेगेटिव में कैसे चले। भाई यहाँ पे हो गया था अभी एक्सीडेंट। हम लोग यहाँ से निकले थे मुरादाबाद पहुँचने वाले एंड सवार के फ्लाइट पास, गया था अर्ली मॉर्निंग, यहाँ पे अर्ली लगा हुआ है मॉर्निंग जाम। जॉब 15-20 12 बजे, मिनट तो हो चुके हैं जाम मैं में। थर्सडे रात को। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और हम हो गए रेडी नहा धो के, एकदम बेहतरीन वाला शावर लिया एकदम ठंडे पानी से। और ठंडे पानी से शावर देने के बाद ना मैं बता नहीं सकता मेरी क्या हालत हुई है, बट आप देख रहे हो पीछे मौसम, देख रहे हो बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है। और ये हमारा बढ़िया सा आउटफिट, और हमारे लौंडे सारे के सारे नहा रहे हैं। और दिस लौंडा, इसने चुल करी नहाने की, मैं तो नहीं नहाने वाला था पर इसने चुल करी नहाने की, पर बाकी चलो ठीक है जो भी है। अब मैं दिखाता हूँ और हमारे खतरनाक लौंडे, ये देखो फोटो खींचा तो मेरी। अच्छा ये देखो पीछे ब्लॉगिंग चल रही है, अरे ब्लॉगिंग चल रही है, कुछ हाया लो कर दो। ए गाइस गाइस मैं भाई, आप अपनी जैक पार्टी शर्ट लेके पहन लो यार। ये बातें चल रही है बहुत बहुत तगड़ी भाई। मैं बता नहीं सकता क्या क्या फन कर लिया हमने, बहुत ज्यादा फन कर लिया, उससे ज्यादा फन ना हो ना पाएगा इसके, हमारे नाक निकल जाएंगे। मेरे बात चल चुके हैं एडवेंचर करने भाई, यहाँ पे भी जोक है, बड़ी दिक्कत है, चिपक रही है, खून वन चूस रही है, और चार जोक बोरी। अच्छा तो इसने हमें क्यों नहीं दिया ये वाला, लोग जाते हैं ना। अच्छा ये भरा होगा भाई, ये कोई रिसॉर्ट, ये दो वो दो निकल गए। अच्छा ये देखो डबल ऑक्यूपेंसी है, ये रही चार जोक, ये रही, और ये हमारा पर्सनल स्विमिंग पूल भाई, देख लो इसमें भैंस के बंदे लोट लोट ही मारेंगे। और ये क्या बेहतरीन सी जगह है रिसॉर्ट, और रात में इस पे ही डांस होगा, इसमें सात समंदर पार, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। बिल्कुल बिल्कुल सेम कर रहा है, रिएक्शन ले रहा है, जबरदस्ती गाना लगवा दिया ना तो रिएक्शन ले रहा है। रात को ये वाले अंकल के जिस पीछे जो अंकल खड़े ये गिरते रहे पूरी रात गिरा ये आदमी, इतना गिरा हुआ है चोट भी लग गई अंकल के। चलते हैं बाहर, बाहर का कुछ ऐसा सा नजारा, धूप निकली हुई है, मस्त मौसम, और दो हमारे छपरी लोग, देखो आप क्या बढ़िया धूप निकली है भाई, ये तो बहुत जहर सा कुछ है तेरे पास। तू मोटा था क्या पहले? नहीं नहीं सर। ये कहाँ बोल रहे, ये देख। ये मैं भाई, आप ले जाओ सही वाला पजामा। ये मोटा नहीं था, ये प्लाजो किसकी पहनी है? अरे यार इसका फेवरेट सॉन्ग था शरारा शरारा। शानदार सा अपना ब्रेकफास्ट, पूरा कैसे खुलेगा यू, ये यहाँ से खुलेगा, देखिए देखिए, पहले सबसे पहले अपनी प्लेटें लगा के बैठे हैं, लौंडे खराब है हमारे, ये देखिए पराठे में पराठे भर रहा है आदमी, घर पे रोटी खाने वाले। सब लोग हो गए रेडी, बॉस मैंग बॉस आर यू रेडी? बहुत बढ़िया।
ये राजस्थानी आपस में फोटो खिंचवा रहे हैं बस, दिल्ली वालों से आपको कोई संबंध तो कभी रहा नहीं होगा, महंगी सिटी। आप वहां से खींच लो, वो अच्छी नहीं इधर से। ब्लॉगिंग करते हुए बताइए, है ना? उधर दूर से दूर से, इधर दूर नहीं, गेट पे गेट पे। मैं दिखाऊंगा फिर तुम्हें। फुल फुल ले यार, वो कॉन्ट्रास्ट जूते को और टी शर्ट का मैच होना चाहिए ना। Left when the lights go out, I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die, baby. I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop. लाइनें खड़ी हुई है। ओह शिट, हौसला में पानी भी निकलता है क्या? अभी नाम ही लिया था अपना। पानी नहीं है, गुलाब जल है। गुलाब जल। Stop now, we all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die, baby, I was born to fight. That's right. Baby, I was born to fight. बहुत बढ़िया काम किया, जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ मेघ बरसाते हैं। मेघ हमने दो दिन बारिश करवाई है पंगोट में, सारी चिड़िया तीतर कबूतर सब अंदर, सिर्फ हम बाहर। और अब देखो भाई मौसम कैसा कर दिया हमने, ये सारी यूपी की और दिल्ली की गरीब जनता। जितनी मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, पहाड़ों पर मत आया करो, आप लायक ही नहीं हो पहाड़ों पर, छोड़ दो। ट्रैफिक जाम कर रखा आपने, गाड़ी का नंबर दिखा देने। हाँ सब मतलब ये भाई लव बर्ड्स को भैंस की है, इनको समझ में नहीं आ पा रही भाई, तू ऐसे बना देगा भाई। एकदम बढ़िया नरेशन होगा, बढ़िया नरेशन होना चाहिए। राजा बाबू वाला चश्मा, गाली मत। राजा बाबू बस थोड़ी देर, राजा बाबू का चश्मा लगा। आजा आजा आ राजा, अंदर की तरफ आजा। सब्जेक्ट आ चुका है, रोड के बीच में भाई, गाली मत देना कोई, है ना? चलो तुम उतर जाओ, ये नैनीताल रास्ते में उसने अल्टो देगी, अल्टो आगे लेट गया, जो कर और जब उसने देख लिया कि ऑल्टो में मैं जा सकता हूँ, फिर भी शक्ल लिया कि मैं अपनी गाड़ी में जा सकता हूँ, और स्टोरी खत्म नहीं होती। आज भी उतर रहे तुम जाके भाग के आया अरे मुझे मुझे जब तक नहीं पता था, मैंने पैदल भी जाए चढ़ाई पर पैदल चलना पड़ेगा, पता नहीं क्या चीज़ है, बैठ के बताइए और इसको पता अजीब नहीं लगा। ये इसकी वजह से हुआ, मेन जो किया है इसको अजीब नहीं लगा। पिछली बार अपनी बंदी लेके आए टैक्सी में, बंदी को होटल पहुंचा तो मैं पैदल आ जाऊंगा, तुम इसे लेके चलो होटल। संजय कपूर संजय कपूर देख दौड़ गया संजय कपूर कर ले इनको रखा संजय कपूर
अभी देखना कंफ्यूज कितना है, गुटली लूं अभी देखना गुटली चूसूं या पहले ये चूसूं दोनों साथ अरे ये लूं अरे 2 किलो आम लिए और सस्ते आम चूसते हुए बस आम पहले इसे दे क्या डॉक्टर चूस भैया ट्रेनिंग दे रहे हैं तो कहा गया अरे महंगी कुछ गाने वाले चला लो पता इसने क्या लिखा गर्ल्स पार्टी सब ओ भाई 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 अगर आवाज नहीं आई हो ना तो मैं बता देता हूँ, इन्होंने बोला कि गाने चला दो तो भाई ने YouTube पे सर्च किया है गुड सॉन्ग्स मैं हमेशा से अच्छा था भाई। गाड़ी हमारी जा चुकी है, एक गाड़ी अब ये वाली जा रही है, एक गाड़ी पीछे रह गई है वो भी आएगी, तो ये भाई जा रहे हैं हमारे। कोई नहीं, इसको ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते बच्चे, हमें ऐसे नहीं, हमें खराब रुको भाई, खराब हो जाएगा, महंगा सौदा तुम्हें तो कुछ है नहीं, देख फिर खराब इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, दो अपने में लगा तो टूट गई है। आपको मौका मिल रहा है, आपने एक बार तो गाड़ी कर दी है, दूसरा मौका दे रहे हैं आपको, चलो भाई चलो आराम से जाना, ठीक है तोड़ना तो पूरा तोड़ना ताकि कवर हो जाए, रोज नहीं मुझे चलो भाई आराम चलो, चलो गाड़ी कैब से भाई, राहुल आप आराम से चलाएं, ठीक है मौका मिला आपको बहुत तगड़ा, ठीक है सब लोग आराम आराम से जाना भाई, चलो निकलो दबा हो जाओ यहाँ से। हाँ ऐसी चलती है, सीधी ऐसी चलती है, फुटपाथ से दूर, फुटपाथ से दूर कर दिया पहले ही काम, अभी करने ही वाला था ये। हमारी चौथी गाड़ी भी आ चुकी है, सवारियां सारी यहाँ पे लाइन लगा खड़ी हुई हैं और गाड़ी इनको इनको नहीं मारने का। चलो भाई फाइनली सब लोगों को बाय बाय करके हम आ चुके हैं अपने घर। ट्रिप बहुत अमेजिंग था और जगह भी बहुत बढ़िया थी, मतलब अगर आप कभी जाना चाहो तो प्लीज डू विजिट पंगोट वंस। थोड़े से इशूज हैं वहाँ पे, इशूज जैसे कि वहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो बर्ड सेंचुरी एरिया रिजर्व है, तो इसलिए वहाँ पे वाईफाई की भी इशूज होते हैं, काफी चीजें होती हैं, बट हाँ वाईफाई आपका आता जाता है, नेटवर्क बिल्कुल नहीं, अगर आपको जियो का सिम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जियो का सिम बहुत बेहतरीन चलता है वहाँ पे, नेटवर्क भी फुल आते हैं, बट बाकी और कोई नेटवर्क नहीं आते, इवन एयरटेल भी वहाँ पे नहीं आता। तो हम लोग वहाँ से 12 बजे के आसपास निकले थे, प्लान था हमारा वैसे नीम करोली बाबा जाने का, पर हम रियली सॉरी वहाँ तक पहुँच नहीं पाए क्योंकि मौसम बहुत खराब था, सुबह के टाइम पर बारिश बहुत ज्यादा तेज थी, तो इसलिए नीम करोली बाबा का प्लान थोड़ा सा ड्रॉप हो गया। बाकी तो ट्रिप हमारा बहुत ही अमेजिंग रहा, सबने अपनी मस्ती मजाक बेहतरीन तरीके से सब चीज़ें करी, ऐसे कोई चीज नहीं थी जो हमने मिस किया, वी डिड ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड हैड अ ग्रेट टाइम। दो दिन कैसे निकल गए पता भी नहीं चला, और काफी सुंदर खूबसूरत जगह, मतलब यानी कि अगर मैं फिर से बोलूँ तो अगर आप एक बार पंगोट जाना चाहो तो बिल्कुल जाओ, मेरी रिकमेंडेशन पे बहुत सुंदर जगह, और खर्चा भी कुछ ज्यादा नहीं आया, 1500 रुपए पर पर्सन कॉट शेयरिंग, और कॉटेजेस को तो मैंने आपको दिखाई दिया, कॉटेजेस कैसे थे, कॉटेजेस काफी सुंदर थे, तो 1500 रुपए में आपको 3 मील भी मिल रही थी और स्नैक्स भी मिले थे शाम को, स्नैक्स भी मतलब ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, अच्छे खासे स्नैक्स दिए थे उसमें आपको, पकौड़े और चिली चिकन और चिकन के पकौड़े, ये सब चीज़ मिली थी, मतलब ऐसा कोई कमी नहीं छोटी उस बंदे ने, बहुत अच्छा स्टे था, खाने की टाइमिंग भी हमने अपने हिसाब से फ्लक्चुएट करवा ली थी, ऊपर नीचे जो भी अपने को फीजेबल लग रहा था, और डिस्टेंस भी यहाँ से ज़्यादा नहीं था, 320 किलोमीटर। हाँ रोड कंडीशन की बात करें तो नैनीताल का रोड थोड़ा सा कंजेस्टेड सा रोड है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा चौड़ा रोड हो, बहुत ही अच्छा रोड तो नहीं कह सकता, पंगोट का रोड भी ऐसे ही आप समझ सकते हो, पंगोट का रोड भी थोड़ा सा खराब सही है, पर अभी हमें पार्किंग की जगह नहीं है, वाओ व्हाट एल्स आई कैन एक्सपेक्ट, फ्यू 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 फ्यू, चलो पार्किंग का कुछ करते हैं, चलिए फिर मिलते हैं आपसे बाकी बातें बाद में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।